पहले सर मैं खुद एक नौकरी करता था सर, 12 से 13 हज़ार रुपए मेरे को वहाँ से कंपनी से मिलता था। और अब कितना कमा रहे हो आप? ठीक है, अब सर दिन के 4 से 5 हज़ार रुपए मेरे डेली की इनकम है। यानी कि कहाँ आप इनकम है सर, क्यों जो मैं कमा रहा हूँ प्रॉफिट है सर मेरा, सेल तो सर मेरी 40 से 50 हज़ार रुपए का माल निकाल रहा हूँ डेली में। आप देख रहे होंगे, आपको मैं दिखा देता हूँ, काफी बड़ा काम है मेरा। ठीक है, स्टार्टिंग मैंने काफी छोटे लेवल से शुरू किया, वाला जो बिजनेस है हमेशा चलने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा मसालों के बगैर हमारी जिंदगी अधूरी है, मसालों के बगैर हमारी जिंदगी में कोई टेस्ट नहीं होता। हेलो सर, क्या नाम आपका जी? सनी यादव नाम है। सनी यादव जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, पूरी जानकारी देंगे मेरे को आप। सबसे पहले तो सर मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपका मदर चॉइस क्या है, ये इसका क्या मतलब है? मदर चॉइस हमारे सर खुद का ब्रांड है, हमारी खुद की कंपनी है सर, मदर चॉइस। अच्छा, एक चीज आपको आपसे और भी पूछूंगा, ये जो आप बिजनेस स्टार्ट किया है कितने दिनों से किया है आपने? सर लगभग हमको 2.5 से 3 साल हो चुके हैं बिजनेस स्टार्ट किए हुए। तो ये आइडिया आपको किसने दिया था? ये सर मेरे को आइडिया मिला था सर 99 बिजनेस से। ठीक है सर, मैंने वीडियो देखी थी, फिर मैंने वहाँ पे कॉल की, फिर मैंने उससे मशीन के बारे में सर डिटेल ली, तो मेरे को काफी अच्छी लगी उनके तो बताए। किस तरीके से हेल्प किया उन्होंने आपके? उन्होंने सर स्टार्टिंग से लेकर अब तक सर मेरी काफी हेल्प की है। स्टार्टिंग से उन्होंने पहले मेरे को इस बिजनेस के बारे में बताया, इस मशीन के बारे में डिटेल दी कि मशीन कैसे वर्क करती है, इस मशीन आप लोगे, आप मार्केट के अंदर खुद का ब्रांड बनाओगे, आपका क्या प्रॉफिट है। ठीक है सर, उन्होंने सारा मार्केटिंग हेल्प मेरे को कंपनी 99 बिजनेस की तरफ से मिली, सारा काम सर उन्होंने मेरे को सेटअप करवा के दिया है। सभी के तो कह नहीं सकते, हाँ सर मार्केट में ऐसा चल रहा है कि कैसे भी करके इस बंदे को या मशीन देना है या कोई आइटम देना है, एक बार उसको चेप दिया जाए, लेकिन ऐसा 99 बिजनेस की तरफ से नहीं मिला सर। मैंने मशीन परचेज की, फिर इसके रॉ मटेरियल की बात आती है सर, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, उन्होंने उसमें हेल्प की मेरी, उन्होंने बताया आप यहाँ से संपर्क करो, आपको यहाँ से डायरेक्ट मेरी डील करवाई उनके साथ। और दूसरी बात है कि सर मेरी मार्केटिंग 5 से 7 दिन सर उन कंपनी की तरफ से मेरे पास उनका बंदा आया और उन्होंने मेरे को मार्केट करवा के दी, काउंटर एड करवा के दिए और सारी चीज मेरे को बताई। आज मैं खुद वहां से ऑटोमेटिक डील कर रहा हूँ क्योंकि सिर्फ उनकी सपोर्ट से, नहीं कि मेरे को सर कोई नॉलेज नहीं थी इस लाइन के बारे में। ठीक है, यानी कि 99 बिजनेस आपको पूरी तरह से हेल्प करता है। हाँ जी, कस्टमर भी देगा आपको, मशीन के बारे में बताएगा, यानी कि जैसा भी आपको जब तक आपका काम चालू नहीं होगा, स्टार्ट नहीं कर सकता हो जाता, हाँ जी, जब तक बिजनेस में आपको पूरा काम स्टार्ट, हाँ सर पूरा काम स्टार्ट करवा के देते हैं, पूरी मार्केट हेल्प। ठीक है सर, पूरा काम वो एकदम रेडी और काफी अच्छी तरीके से डील करते हैं, काफी अच्छी तरीके से उस चीज के बारे में बताते हैं। सर मैंने और भी सुना है कि जब तक आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता, चाहे 5 दिन हो चाहे 7 दिन, उनका स्टाफ आपके साथ में ही रहेगा, जब पूरा आपको, यानी कि जब तक आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता वो आपके साथ ही रहते हैं, ऐसा मैंने सही सुना है गलत है ये? सर देखो, पहले तो सर जैसे मशीन का मैंने ऑर्डर लगाया तो लगभग 1 महीने के अंदर मेरी मशीन आई थी वहां से। ठीक है सर, महीने के बाद मेरी मशीन आ गई, मैंने सारा रॉ मटेरियल मेरा उन्होंने बताया कि यहाँ से आप रेडी करवाओ। ठीक है, उन्होंने मेरे को कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया डायरेक्ट, मैंने वहाँ से रेडी करवा लिया। फिर सर मैंने काम भी स्टार्ट किया कि मेरे पास सब कुछ था, रॉ मटेरियल भी था, मशीन भी आ गई थी, सारा आइटम मेरे पास रेडी था, तब मैंने सर वहाँ पे कॉल की तो उनकी तरफ से वहाँ से कंपनी से बंदा आया। ठीक है, और मेरे साथ 7 से 8 दिन कंटिन्यू सर मेरे पास रहा, मार्केटिंग अंदर मेरे साथ गया, कस्टमर के पास हम गए, उन्होंने डील करना बताई किस हिसाब से आप डील करो। ठीक है, और वहाँ से मेरे को उन्होंने काउंटर ऐड करके दिए। ठीक है, और वो पूरा काम सर उन्होंने मेरे को करवा के दिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि 99 बिजनेस सर मेरे को पूरी हेल्प मिली है, खास करके इस बिजनेस के बारे में। सर एक चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगा, हम क्या करते हैं यूट्यूब पे वीडियो को अपलोड करते हैं तो एकदम क्या करता है, जो व्यूवर्स होते हैं हमारे, सब्सक्राइबर होते हैं, बहुत सीधे साधे होते हैं, वो क्या करते हैं वीडियो देखी और एकदम से मशीन का ऑर्डर दे देते हैं। उसके बाद में क्या होता है, उनसे काम नहीं स्टार्ट हो पाता, वो क्या करते हैं, उनको काम करना आता ही नहीं है, मशीन खरीद लेते हैं, मशीन तो खरीद लिया अब उनको काम नहीं करना आता।
क्योंकि आपको भी पता है जो मशीन है इसका काम है खाली प्रोडक्ट तैयार करना, लेकिन मेहनत हमें करनी है, सेल हमें करनी है। लोग सोचते हैं कि इसने कब करनी है सेल, इसने नहीं करनी, ये तो प्रोडक्ट तैयार करेगी, मेहनत तो हमने करनी है। तो सर अब ये बताइए कि मशीन तो हम खरीद लेते हैं, लेकिन उसको जो हम इसको काम को जो स्टार्ट करेंगे उसके लिए आप कैसे हेल्प करेंगे हमारे जो जो हमारे व्यूवर्स हैं जो मशीन खरीदेंगे, जो नए उस बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं जानता, बिल्कुल प्योर है वो? सर मैं मेरी व्यक्तिगत खुद के बारे में बता देता हूँ सर, इस बिजनेस 2.5 से 3 साल का टाइम हो चुका है मेरे को काम करते हुए। पहले सर मैं खुद नौकरी करता था सर, 12 से 13 हज़ार रुपये मेरे को वहाँ से कंपनी से मिलता था। और अब कितना कमा रहे हो आप? ठीक है, अब सर दिन के 4 से 5 हज़ार रुपये मेरी डेली की इनकम है। यानी कि कहाँ आप? हाँ इनकम है सर, क्यों जो मैं कमा रहा हूँ प्रॉफिट है सर मेरा। सेल तो सर मेरी 40 से 50 हज़ार रुपए का माल निकाल रहा हूँ डेली में। आप देख रहे होंगे, आपको मैं दिखा देता हूँ, काफी बड़ा काम है मेरा। ठीक है, स्टार्टिंग मैंने काफी छोटे लेवल से शुरू किया, धीरे धीरे मैंने खुद ने मैंने तो खास करके 99 बिजनेस से मेरे को हेल्प मिली काफी। ठीक है, आज दो दो तीन तीन गाड़ियां मेरे पास हैं, 10-10 बंदे मेरे नीचे काम कर रहे हैं। आप देखो, आप तो खुद काम कर रहे हो, आपको भी बिजनेस मिला है और आपके नीचे जो वर्कर कर रहे हैं आपकी वजह से उनकी रोजी रोटी भी चल रही है। तो थैंक्स कीजिए 99 बिजनेस का। हाँ सर, मैं तो कि कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं सर 99 बिजनेस का। मेरी व्यक्तिगत बता रहा हूँ ना सर, मेरी लाइफ बनाने में सबसे बड़ा सहयोग 99 का है। 10 से 12 हज़ार में मेरा मोबाइल का खर्चा और ये आने जाने का किराया तक पूरा नहीं होता था सर, इतना परेशान था मैं। लेकिन बेरोजगारी थी, काम तो करना ही था, लेकिन आज से 4-5 हज़ार रुपये मैं आराम से इनकम कर रहा हूँ, मेरा प्रॉफिट है। सेल तो मेरी 40 से 50 हज़ार रुपये और 60-70 हज़ार तक भी पहुँच जाती है, लेकिन 4 से 5 हज़ार मैं प्रॉफिट डेली का ले रहा हूँ सर। तो सर एक चीज़ आपसे और भी पूछना चाहूँगा, क्योंकि कोई नया बिजनेस जैसे कोई भी करना चाहता है तो उसके लिए 99 बिजनेस किस तरह से हेल्प करेगा, थोड़ी बताएंगे हमें और भी? 99 बिजनेस से सर आप उनसे कांटेक्ट करो। ठीक है, वो आपको उस चीज़ के बारे में पहले आप डायरेक्ट आप मिल भी सकते हो उनसे, ये भी बात नहीं है कि आप फ़ोन पे आप बात करो, आप डायरेक्ट उनसे जाके मिलो ऑफिस में, उन चीज़ के बारे में समझो, मशीन के बारे में वो सारी चीज़ आपको बताएंगे। ठीक है, आपके समझ में आती है, आप 1, 2, 10 कितनी भी जो भी आपको राय लेनी आप राय लो, वो सारी चीज़ आपको खुलकर बताते हैं। ये नहीं है सर कोई कि भी आप माल तैयार कर दो हम ले लेंगे, ठीक है आप तैयार करते जाओ हम ले लेंगे इस रेट में, वो नहीं है सर, झूठे जहाँ से एक प्रकार मेरे को नहीं मिले। हाँ बाई बैक वाला काम। हाँ बाई बैक ये नहीं है, क्यों क्या होता है कि सर मशीन बेचनी होती है तो पता है कि 2-2.5 लाख रुपए की मशीन है, कैसे भी करके दे दिया, एक बार इसको लालच दे दिया कि माल आपका हम ले लेंगे, वो कस्टमर को फंसाने के लिए खाली होता। हाँ वो सिर्फ क्या, एक बार कस्टमर फंस गया ठीक है, कंपनी को जो प्रॉफिट निकलना था निकल गया ठीक है, लेकिन वो सिस्टम नहीं है सर। ठीक है, आपको मशीन देंगे उसके बारे में पूरी डिटेल देंगे, आपके पास बंदा आएगा सारी मार्केट हेल्प करवा के देंगे, काउंटर ऐड करवा के देंगे। ठीक है, एनी टाइम किसी टाइम आप ऑफिस टाइम उनको कॉल करके आप जो भी आपको परेशानी आ रही है आप बता सकते हो उस चीज के बारे में। हाँ सर एक चीज और पूछ सकता हूँ कि इस मशीन को लगा के हम डेली कितना कमा सकते हैं? कोई पक्का तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा अंदाजा बता दीजिए, बाकी तो सारी वर्क के ऊपर बात होती है आपके। सर आप मशीन से, ये सर एक ऐसा बिजनेस आप 50 हज़ार रुपए दिन के भी कमा सकते हो। क्या बात? आपके एरिया वाइज के हिसाब से आपकी काउंटर सेल कितनी है, कितने आपने बंदे ऐड कर रखे हैं। अब मेरी तो व्यक्तिगत आज 3 साल हो गए सर, स्टार्टिंग के अंदर तो मेरा यही था 500, 200, 300, ये ज्यादा टाइम नहीं चला, सिर्फ 2-4 महीने। ठीक है, अब मैं 4 से 5 हज़ार रुपए प्रॉफिट ले रहा हूँ, यानी महीने का 1.5 लाख रुपए मेरा प्रॉफिट है। अच्छा। इस बिजनेस से तो सर सबसे पहले तो पूछूंगा इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए स्पेस कितना चाहिए? स्पेस सर ज्यादा नहीं है, इससे मशीन तो काफी छोटी होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, अपने जो बड़ा कूलर आता है या बड़ा फ्रिज आता है उस साइज की मशीन है, मशीन को ज्यादा स्पेस, रॉ मटेरियल के लिए आप जितना स्पेस, यानी आप ये मानो कि 15x15 अगर आपके पास एक रूम है या कोई शॉप है या कोई ऐसा स्पेस है तो उसके अंदर सर आप काम आराम से स्टार्ट कर सकते हो। सर इसके मशीन को जो पावर सप्लाई हो कितनी चाहिए होती है? ये सर सिंगल नॉर्मल सिंगल फेस में चलती है, जैसे अपने फ्रिज चलता है, कूलर चलते हैं, अपने नॉर्मल जो चलती है, इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा कनेक्शन की या 3 फेज की या जो भी है वो कोई एक्स्ट्रा कनेक्शन की आपको जरूरत नहीं है, नॉर्मल आप घर में लगा सकते हो इसको। सर आपकी मशीन जो कौन कौन से प्रोडक्ट तैयार करती है, जो पैकिंग करते हैं थोड़ा बताएंगे इसके बारे में, क्या क्या पैक करती है? इसके अंदर आप 20 से 25 प्रकार के आइटम पैक कर सकते हो सर, सूखे आइटम मसाले, जैसे आप लौंग पैक कर सकते हो, काली मिर्च है, सौंफ है, अजवाइन है, जीरा है, मेथी है, साबुत धनिया है, चाय पत्ती है। ठीक है, आप काफी जो सूखे आइटम है यानी तरल पदार्थ, कोई भी जैसे तरल प्रकार का पदार्थ पैक नहीं कर सकते, जो कोई तेल वगैरह का जो आइटम है, और जो सूखा पदार्थ है वो आप मसाले, खड़े मसाले जो हो गए, मैंने बात वो ये खड़े मसाले। हाँ जो खड़े। सर एक चीज आपसे और पूछना चाहता हूँ, देखो मशीन तो आपसे हर कोई बंदा खरीद लेगा, लेकिन इसका जो रॉ मटेरियल है वो भी आपके पास मिलेगा कि अगर आपके पास नहीं मिलेगा तो जहाँ से कहीं भी हर आदमी का एरिया वाइज हिसाब होता है तो वहाँ से भी अवेलेबल हो सकता है क्या इसका रॉ मटेरियल?
रॉ मटेरियल के सर अलग अलग है, ऑल इंडिया में लगभग सर रॉ मटेरियल के आपको होलसेलर जो है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आपके एरिया के हिसाब से जो भी आपको 99 बिजनेस से आप वहाँ हेल्प मिल जाएगी, आपको वहाँ के कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए जाएंगे और एड्रेस बता दिया जाएगा, तो आपको उसमें दिक्कत नहीं आनी सर। ये नहीं है कि एक जगह पे छपने वाला चीज नहीं है कि आपको दिल्ली मिलेंगे या इस जगह मिलेंगे, अलग अलग शहर के अंदर सर आजकल काफी बैठे हैं मैन्युफैक्चरर, आप कहीं से ले सकते हैं। सर इस मशीन का प्राइस क्या होगा? ये मशीन सर आपको 2,30,000 रुपए की मशीन पड़ेगी सर, प्लस जीएसटी, जो जीएसटी है मशीन के ऊपर 2,30,000 प्लस जीएसटी और प्लस सर ट्रांसपोर्ट। तो फ्रेंड्स आप भी ज्यादा देर ना करते हुए मशीन का डेमो देखते हैं और कैसे पैकिंग करती है सर, दिखाएंगे हमें डेमो मशीन का? जी हाँ जी जरूर सर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पे कमेंट कीजिए और इसको शेयर कीजिए, ताकि कोई भाई बेरोजगार है और काम की तलाश में है तो इस वीडियो को देखकर कोई आप काम स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, और आप डिस्प्ले के अंदर नंबर देख रहे हो, 99 बिजनेस से आप जुड़ना चाहते हो और काम स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो दोस्तों 99 बिजनेस के ऊपर आप डिस्प्ले के अंदर आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, आप वहां पे फोन करके कॉल करके ऑफिस टाइम में उस चीज के बारे में जानकारी ले और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है, ताकि नए नए जो भी बिजनेस आइडिया आते हैं उसके बारे में आपको काफी अच्छी तरह डिटेल मिले और कि भाई बेरोजगार है जो काम की तलाश में है वो उस चीज को आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत।